हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लाइफ में बढ़िया कर रहे होगे, हैप्पी होगे, हेल्दी होगे और लाइफ एंजॉय कर रहे होगे। और अब आप सोच रहे होगे वीडियो देख के, जितने भी लोग देख रहे हैं, कि मैं पीलीभीत में क्या कर रही हूँ। पीलीभीत में तो ऐसे ही कोई बहुत खास जगह भी नहीं है घूमने की, तो ऐसा वो लोग सोचते हैं जो कभी पीलीभीत नहीं गए। जब मैं नहीं गई थी तो मुझे भी ऐसा लगता था कि यहाँ क्या ही घूमने के लिए होगा। वैसे मैं घूमने के पर्पज़ से बिल्कुल भी नहीं गई थी। मैं गई थी अपनी दी से मिलने, जिसकी फ़र्स्ट पोस्टिंग आप पीलीभीत में हुई थी। एंड मैंने ये वीडियो 2 साल पहले शूट किया था। और अब आप सोच रहे होंगे कि 2 साल पहले शूट किया हुआ वीडियो मैं अभी क्यों पोस्ट कर रही हूँ। इसका रीज़न भी मैं आपको आगे बताऊँगी, बट फिलहाल मैं पहुँच गई थी स्टेशन पर आई थी दी मुझे लेने अपनी सरकारी गाड़ी से। ये दी बैठी हुई है, इसे वीडियो में ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैंने इसका फेस हाइड कर दिया था। और वो आगे उनके ड्राइवर बैठे हुए थे जो कि पुलिस मैन ही होते हैं। और फिर मैं पहुंच गई दी के बंगलू। और ये पहुंचने के जस्ट बात का नहीं है, ये खड़ी हुई है गार्ड भैया की साइकिल, ये है कुक भैया की बाइक, और ये है बंगलू। और ये सबसे पहले पड़ता है गार्डन, एंड देन ये है लिविंग पोर्शन जहाँ पे रहते हैं। रहने का एरिया तो इतना बड़ा नहीं होता है बंगलूज़ का जो ऑफिसर्स को मिलते हैं, बट उसके अलावा जो स्पेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि आपने आगे भी देखा, इतना बड़ा गार्डन था और ये स्पेस जहाँ पे पार्किंग कर सकते हैं, 3-4 गाड़ियाँ आराम से खड़ी हो सकती हैं। ये है पीछे फार्म बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी खेती हो सकती है। और हमारे कुक भैया ने सजेस्ट भी किया था कि यहाँ पे वेजिटेबल्स लगा लेते हैं। अब करते हैं घर में एंट्री, जो कि 3 तरफ से हो सकती है। जहाँ जहाँ मैंने स्टार्ट लिखा है उन तीनों गेट से, और आई मीन डोर से एंट्री हो सकती है। बट डी यूज़ करती है गैलरी का पोर्शन एंट्री के लिए, क्योंकि वो अकेले ही रहती है। ये सामने किचन जिसमें कुक भैया कुछ बना रहे हैं, ये था ड्राॅइंग रूम जो कि मैं आगे आपको दिखाऊँगी। एंड ये है पीछे का आंगन जहाँ पर आप कपड़े वगैरह सुखा सकते हो और वॉशिंग मशीन से कपड़े धुल भी सकते हो, काफ़ी बड़ा एरिया है। एंड ये है डाइनिंग एरिया, एंड ये वापस से मैंने किचन का वीडियो लिया है। ये है ड्राइंग रूम जहाँ पे दी के कुछ जो भी हैं प्राइजेस वगैरह, जो भी कुछ होता है, शायद स्मृति चिन्ह बोलते हैं या स्मृति पत्र समथिंग, वो सब रखे हुए थे। ये है किचन, और किचन भी काफ़ी बड़ा ही है, अच्छा खासा स्पेस है उसमें। और किचन के जस्ट सामने है डाइनिंग एरिया, और यहाँ पर सब मिल के खाना खाते हैं। और ये वापस से है पीछे का, क्योंकि जब मैंने वीडियो शूट किया था तब फिर बाद में बारिश होने लगी थी, इसलिए काफ़ी कुछ आगे पीछे हो गया है। ये बारिश हो रही है, उस टाइम का वीडियो है। एंड इसमें चैनल भी लगा हुआ है, एंड जाली वाले दरवाजे भी लगे हुए हैं, ये भी काफ़ी बड़ा है। और इसमें भी बाहर की तरफ गेट है। और ये है वॉशरूम, ये पहला वॉशरूम है। यहाँ 2 वॉशरूम हैं, आई मीन वैसे तो टोटल 3 है, लेकिन मेन 2 वॉशरूम्स हैं। ये आंगन से है, डाइनिंग एरिया से कनेक्टेड है। और अब मैं जा रही हूँ बेडरूम में, और बेडरूम के साथ 2 और रूम हैं। ये बेडरूम के साथ लगा हुआ एक पोर्शन है जिसे रूम की तरह भी यूज़ कर सकते हो आप, और इसी से जुड़ा हुआ स्टोर रूम है। फिलहाल ये तो बेडरूम वाला एरिया है जहाँ पर बेडरूम के उससे दी ने यूज़ किया था। एंड ये कबर्ड्स वगैरह हैं, काफ़ी अच्छी हैं। एंड ये मिरर है, और ये है स्टडी टेबल के पास के पीछे वाला एरिया जो मैंने आपको दिखाया था कि ये फार्म एरिया है, ये वही दिख रहा है बेडरूम की विंडो से। सामने से काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है, और उसके भी पीछे सारे पेड़ ही पेड़ हैं। और ये जैसे कि मैंने आपको बताया बारिश हो रही थी, तो बस ये बारिश वाले टाइम का है। और काफ़ी अच्छा लग रहा था, पूरा हरा भरा और फूल वगैरह, तो मुझे तो। और ये गार्ड भी जगह में बैठे हुए देख रहे हैं। और ये है एरिया जहाँ चारों तरफ खड़ी होती हैं, और ये 3 से 4 गाड़ियाँ आराम से खड़ी हो सकती हैं। तो इस वीडियो में मिस हो गया है एक ऑफिस रूम, जिसकी वीडियो मैंने उस टाइम पे ली थी, नहीं ली थी मुझे याद नहीं है, बट मुझे अपनी गैलरी में कहीं नहीं मिली। एंड एक स्टोर रूम का नहीं लिया, एंड एक जो दूसरा वाला वॉशरूम था जो मैं बता रही थी, जो ऑफिस रूम से कनेक्टेड भी है और अंदर वाले रूम से भी है, उसका वीडियो, बस ये सारे वीडियोज़ रह गए हैं। और अब मैं बताऊँगी कि ये वीडियो में क्यों पोस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे कई बार रिक्वेस्ट की कि आप ऑफिसर्स बंगलू, अपने दी के DSP बंगलू का वीडियो कब पोस्ट करोगी, क्योंकि मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी
आदि के बंगलों की, उसी वीडियो को देखने के बाद मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझसे कई बार रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज़ DSP बंगलों का फुल वीडियो डाल दीजिए। तो बस उनकी रिक्वेस्ट पे मैंने ये 2 साल पहले रिकॉर्ड की हुई वीडियो अपलोड कर दी, और उस टाइम मैंने अपने माइंड में बिल्कुल भी ये रख के नहीं रिकॉर्ड की थी कि मैं इसे अपलोड करूँगी। बस मम्मी मेरे साथ नहीं गई थी तो इसलिए मैंने वीडियोज़ बना लेती थी कि बंगलों की, कि घर पर जाकर मम्मी को दिखाऊँगी, क्योंकि वीडियो कॉल में उतने अच्छे से समझ में नहीं आता है। तो अपने सब्सक्राइबर के कहने पे मुझे 2 साल पुराना वीडियो अपलोड करना पड़ा, बट अब तो देखिए पोस्टिंग भी चेंज हो चुकी है और जो प्रेजेंट टाइम में उसे बंगलो मिला हुआ है वो इस वाले बंगलो से भी काफ़ी बड़ा है और काफ़ी ज़्यादा हरा भरा भी है। तो अगर उसकी पोस्टिंग चेंज होने से पहले तक मैं इस वाले बंगलो में गई और टाइम से पहुँच गई तो मैं अच्छे से वीडियो बनाऊंगी और आप सबके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि इस वीडियो में काफ़ी चीज़ें मिस हो गई क्योंकि मैंने माइंड में वो लेके वीडियो शूट नहीं किए थे, बट इस टाइम मैं जाऊंगी तो अच्छे से वीडियो शूट करूंगी। और ये थे दी के ड्राइवर और गनर, और अब हम जा रहे हैं वापस। और इसमें मैंने जितना भी पोर्शन कवर किया है बंगलों के अलावा वो सब है पीलीभीत का, पीलीभीत टाइगर रिजर्व का, पीलीभीत में चूका बीच है, उस सब जगहों का। तो ये सारे वीडियोस जो भी बंगलों के अलावा हैं वो सारे वीडियोस ही पीलीभीत के ही हैं, और पीलीभीत टाइगर रिजर्व एंड चूका बीच के हैं, और दोनों ही जगह बहुत खूबसूरत हैं। चूका बीच तो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड सी प्लेस है यूपी में, आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि यूपी में इतनी खूबसूरत बीच हो सकता है, जो कि बिल्कुल केरला वाली फीलिंग देता है। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही पीसफुल जगह है। मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो एक बार ज़रूर पीलीभीत टाइगर रिजर्व और चूका बीच विज़िट करिए, बहुत ही अच्छी जगह है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आप पसंद आई हो तब भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, नहीं पसंद आई हो तब भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय।